welcome. Thank you. You are from here? It's a Russian bread. Russian. Good afternoon, guys. सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी लग रही थी भूख. यहाँ का मैकडोनल्ड आज से पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, तो मन किया कि चलो आज यहाँ का मैकडोनल्ड ट्राई करते हैं. एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक लिया, एक बड़ी फ्रेंच फ्राइज और एक बिग मैक. इन सब का मैं टोटल पे किया है 280 रूबल्स, यानी लगभग 300 रुपये के आसपास. और मैं मेरे होस्ट के घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था. अभी 4 बजने वाले हैं और अभी मैं सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा हूं. हाँ, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन थोड़ा आउटर सिटी में, क्योंकि जो मेरी होस्ट हैं वो सिटी सेंटर से लगभग 20-30 किलोमीटर बाहर रहती हैं. और उनको मैं आपसे अगली वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा. आज हम सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग को एक्सप्लोर करेंगे. अभी मैं खाना खा लेता हूँ और उसके बाद हम बाहर जाते हैं. और यहाँ के मैकडोनल्ड के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो आपको कैचअप फ्री नहीं देते. इसके लिए 14 या 15 रूबल अलग से लगे हैं और थोड़ा सा मिला है. नो, इट्स नॉट गुड मैन. कंप्लीट. द सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी. और आज यहाँ पर सबसे पागल मैं ही लग रहा हूँ, क्योंकि हर किसी ने जैकेट पहनी हुई है और मैं अकेला पागल हूँ जो ऊपर भी टी शर्ट है और नीचे भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं. तो एक बंदा मिल गया. वहाँ भी चलते नहीं, यहाँ पे मेरा बाइसिकल चलाने का मन नहीं कर रहा है. आपने मॉस्को वाली वीडियो में देखा था ना कि मैं बाइसिकल चला रहा हूँ, वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी है. लेकिन मेरे पास यहाँ के लिए सिर्फ 3-4 घंटे हैं और 3-4 घंटे में मैं सारी जगह कवर नहीं कर पाऊँगा, तो बाइसिकल वाला प्लान कैंसिल. और मुझे अपने लिए एक स्वेटशर्ट भी ख़रीदनी है. ठंड होने लग गई है अब. और कल जब मैं रात को पहुंचा उस टाइम तो हवा भी बहुत तेज चल रही थी और यहाँ पे बारिश भी हो रखी थी. तो जब मैं मेरे होस्ट की सिटी में पहुंचा सेंट पीटर्सबर्ग से 20 किलोमीटर दूर, तो जम गया था उस टाइम पे पकड़ कर, ऐसे हो रखा था बस. लेकिन शुक्र है कि कोई बुखार उखार नहीं आया, हालत बुरी हो गई थी उस टाइम. तो आज मैं नहीं चाहता कि आज जब मैं वापस मेरे होस्ट के घर पर जाऊँ तो वही हालत हो. तो एक स्वेटशर्ट खरीदूँगा अभी. ये सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो और इन बसेस का गार्डन. ये कार्ड हर जगह काम करेगा, इसको टच करिए और आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी. चार्जेस वही हैं मॉस्को वाले पर राइड के 36 रूबल्स, चाहे आप बस में जाइए, चाहे मेट्रो में जाइए, चाहे ट्राम. और हाँ, हर चीज़ के चार्ज वही. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूँ, सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो वन ऑफ द डीपेस्ट सबवे इन द वर्ल्ड. नॉट सबसे गहरी, इज वन ऑफ द डीपेस्ट. द आर्किटेक्ट ऑफ सोवियत टाइम. इंडियन वहां पे जाके बैठ जाओ. बस तो मिली नहीं, अब पैदल ही जा रहा हूं वहां तक. वेनिस ऑफ रशिया. लिटिल बिट पुरानी, ऐसी छोटी मोटी कैनाल काफ़ी बनी हुई हैं. प्योर यूरोप. एक बात और नोटिस किया मैंने,
मुझे लगता था कि अपने दिल्ली मुंबई वाली फ़ाइट या फिर लाहौर कराची वाली फ़ाइट या फिर न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस वाली फ़ाइट इन्हीं कंट्रीज़ में है। रशिया भी कुछ कम नहीं है। मॉस्को के लोग सोचते हैं कि मॉस्को इज़ द बेस्ट सिटी और सेंट पीटर्सबर्ग के लोग सोचते हैं सेंट पीटर्सबर्ग इज़ द बेस्ट सिटी। दोनों एक दूसरे की सिटी को गालियाँ निकालते रहते हैं, गालियाँ बुरी तरीके से नहीं, लेकिन जैसे अपने दिल्ली मुंबई वाली फ़ाइट चलती है, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को वाली फ़ाइट चलती है। अब सच्ची बोलूँ मुझे मॉस्को भी काफ़ी मस्त लगा था, लेकिन जो सेंट पीटर्सबर्ग का सेंटर है, जो यहाँ के बिल्डिंग्स हैं, वो काफ़ी अमेजिंग है। ऐसी छोटी छोटी काफ़ी कैनाल बनी हुई है यहाँ पर। कल मैं निकल जाऊंगा मुरमंस्क के लिए। इस शॉपिंग मॉल में है फैमिलिया, जहां से मुझे जैकेट परचेज करनी है। मेरे को किसी भी जगह का नाम नहीं पता, एक बार जैकेट खरीद लेता हूं, उसके बाद 2-3 घंटे बचते हैं अपने पास। सबसे जरूरी काम पहले जैकेट खरीदना है, क्योंकि पानी और बहने लग गया है। एंड ट्राम पीटर्सबर्ग में भी है। फाइनली जो कलर मुझे चाहिए था और जैसा मुझे चाहिए था मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर साइज में कन्फ्यूजन हो रहा है, 50 लूँ या 48 लूँ। ये है 50, ये है 48, एकदम परफेक्ट। 48 वैसे फिट आ रहा था, लेकिन जैसे ही चैन को बंद करता था तो ऐसे घुटन सी हो जाती थी और अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने भी मेरी हेल्प की, मैंने उनसे पूछा कि कौन सी लूँ, तो उन्होंने बोला कि 50 सही रहेगा। तो अब इसकी बिलिंग करते हैं, 1500 रूबल की है, लगभग 1600 रुपये। इससे सस्ता मुझे नहीं भी मिल रहा था और ठीक भी है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी सही है। तो अब इसकी पेमेंट करके वापस से पीटर्सबर्ग को देखने चलते हैं। हो गई शॉपिंग पूरी। प्लीज डोंट टेल कि चंपू लगा। तो 1500 रूबल का था वो, और मेरे बैंक अकाउंट से कटे हैं 1621 रुपये। आपको ऐसे काफ़ी लोग मिल जाएंगे, कोई गिटार बजा रहा होगा, कोई सिंगिंग कर रहा होगा, एंड लोग फिर उनको डोनेशन देते हैं। आपने शायद कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, और मुंबई में भी मैंने एक दो जगह देखा है ऐसा। हम इंडियंस भी अब ज़्यादा पीछे नहीं रहे हैं इनसे, धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद आ गई मेरे को ऐसी चलते चलते। 11th या 12th क्लास की बात है, जब फेसबुक नया नया आया था, मतलब नया नया तो नहीं था, लेकिन उस टाइम हमारे लिए नया नया था। तो फेक आईडी बनाने का बड़ा शौक होता था उस टाइम पे, मतलब कि एक एक बंदे की 6-6 फेक आईडी, 7-7 फेक आईडी, और कई बंदों के इतने मस्त मस्त नाम होते थे, नाम सुन के हंसी आती थी। सेक्सी जाट बॉय, रॉयल जाट बॉय, और एंजल प्रिया, एंजल के नाम से इतने नाम होते थे। मेरी खुद की 2-3 फेक आईडी आती। एक मैंने बनाई थी रॉकिंग जाट बॉय APS, और APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, मैंने अपने स्कूलिंग आर्मी स्कूल से की है। और कौन सी अब भूल गया मैं, फनी जाट बॉय, पता नहीं कितनी जाट बॉय के नाम से आइडिया होती थी, जिनमें से 2-3 तो मैंने ही क्रिएट की थी। उस टाइम था ये भूत सवार की, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन नियत उस टाइम की बातें नहीं आ रही थी यार। सब किम बदल गया अब तो, यार बदलना भी चाहिए। अरे हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। हाँ, जस्ट ट्राइंग टू स्पीक सम हरियाणवी।
Not trying, I'm actually speaking. So back to Petersburg. डेढ़ घंटे में देखते हैं कितनी जगहों को देख पाते हैं. I don't have much time. Public buses. It's better than Moscow. Kazan kaise hai? लगाना चाहिए था पीटर्सबर्ग में कम से कम दो तीन दिन. एक दिन कुछ नहीं है पीटर्सबर्ग के लिए. सच में मस्त सिटी है, बेटर देन मॉस्को. प्लीज डोंट हेट मी मॉस्को. मॉस्को भी अच्छा है लेकिन पीटर्सबर्ग डिफरेंट है यार. Hello. Welcome. Thank you. Okay, brother. You are from here? Yeah. So it's a Russian dress. Russian king. Russian king dress. Yeah. It looks so great. Great city. Oh man. Hey man, how are you? एक टाइम पे तो मुझे लगा स्टैचू है, बाद में जब ढंग से देखा तब पता चला कि भाई एक बंदा खड़ा है. तो मेरी अब तक की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है. चर्च ऑफ द सेवियर ऑफ द स्पिल्ड ब्लड. बंद हो गया, 6 बजे ही बंद हो गया था. Sitar. अपने सितार का एडवांस वर्जन देख लो. ओम नमः शिवाय. सितार के ऊपर लिटरली लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय. It's
What's the name of that place? Name? Emia? उस जगह का नाम पूछ रहा हूँ। That's it? Yeah. Okay, man. Спасибо. English का जो Russian accent है वो तो एकदम लाजवाब है। आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा मैं। ट्रेवर नोवा को कौन कौन जानता है? ट्रेवर नोवा एक साउथ अफ्रीकन अमेरिकन कॉमेडियन है जो डेली एक शो होस्ट करता है, द डेली शो विद ट्रेवर नोवा। उसकी वीडियो आप सर्च करना, ट्रेवर नोवा ऑन रशियन एक्सेंट। बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है उसमें, आप जाके देखना, मेरे को काफ़ी मस्त लगा था। वो काफ़ी फेमस कॉमेडियन है, आपको शायद नाम पता भी होगा उसके बारे में। बर्गर किंग, बर्गर किंग एज इन रशियन बर्गर। इस शहर से प्यार हो गया है मेरे को। इंस्टाग्राम लवर्स के लिए ये सिटी जन्नत है। पैलेस स्क्वायर, अलेक्जेंडर कॉलम और विंटर पैलेस। कितना वेरिएशन आ रहा है, 5 मिनट में गहरे बादल आ रहे हैं, उसके बाद फिर सफ़ेद बादल आ रहे हैं, उसके बाद एकदम तेज़ धूप निकल रही है। 7:15 हो रखे हैं, 7:15। इतनी तारीफ शायद मैंने किसी भी सिटी के बारे में नहीं की होगी। म्यूजियम सेंट आइसक कैथेड्रल। यहाँ पर दो फेमस म्यूजियम है, एक तो पीछे वाला सेंट आइसक कैथेड्रल और दूसरा है हार्मितोस, लेकिन दोनों में से किसी भी म्यूजियम में नहीं जा रहा हूँ मैं। इतना टाइम नहीं है और म्यूजियम में जाने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 घंटा होना चाहिए ताकि उन चीज़ों को ढंग से देख पाओ। सो सॉरी म्यूजियम, नेक्स्ट टाइम। रशिया को ढंग से घूमने के लिए आपको रशिया को कम 6-7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उन 6-7 पार्ट को, हर पार्ट को 1 महीना, तब जाके रशिया आपकी पूरी कवर हो पाएगी। You can't.